हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? नहाए हो कि नहीं नहाए हो? सर हाँ, मैं नहाया नया करो, हूँ। नहाया करो। नया ठंडी है तो क्या हुआ, नहाना चाहिए रोज, है ना? चलो, तो लास्ट क्लास में हम गरम लोगों पानी ने, से नहाए। ठीक है बेटा, सीधे पढ़ाई पे आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शुरू किया था। सॉरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिरकार हमारी आइडियल गैस हम किसे मान रहे हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हम अज्यूम कर रहे हैं आइडियल गैस की। उसके पॉस्टुलेट्स को लेते हुए हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी। हमने रैंडम मोशन की वजह से जो प्रेशर आता है कंटेनर की वॉल्स पे, उसको कैलकुलेट किया था। कितना आया था प्रेशर? प्रेशर पी इज इक्वल टू एम एन वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3 V। ये आया था प्रेशर, इसको हम लोग लास्ट क्लास में कैलकुलेट किए थे, तो अच्छा खासा डेरिवेशन था इसका। इसको हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से कंपेयर किया था, तो हमें मिला था कि वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय एम होता है। ऑल दो मैंने आपको यहाँ पर एक चेतावनी दी थी कि बच्चों, ये जो वेलोसिटी है, आर एम एस स्पीड जो है अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय एम, इसका डेरिवेशन कहीं और से है। वो डेरिवेशन कहाँ से है, वो हम आज देखेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड है। इसका डेरिवेशन कहीं और से आएगा, उस वी आर एम एस को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, बट हम आज इसका जो जहाँ से ये डेरिवेशन आता है उसके बेस को समझेंगे, ठीक है? तो आर एम एस स्पीड हमने निकाली थी। इसके बाद हम लोग रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ पे आए थे। हमने मीन फ्री पाथ भी कैलकुलेट किया था। लैम्डा की का फॉर्मूला क्या आया था? क्या आया था? 1/√2 n π डायमीटर स्क्वायर। इसमें ध्यान देना था n क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये एकदम बेसिक चीज़ें लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। यहाँ तक सब कुछ ओके ओके है कि कोई दिक्कत थी? लास्ट क्लास में इतनी पढ़ाई हुई थी, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी। ये सब कुछ ओके ओके है ना? अरे ओके ओके है कि नहीं, बोल तो दिया करो यार। चलो कोई बात नहीं, मीन फ्री पाथ हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। हमने कहा था कि गैस के लिए जो मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर किए थे, हमने कहा था उसमें मॉलिक्यूल्स का मोशन रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में प्रेफर्ड मोशन नहीं है। मॉलिक्यूल्स किसी भी एक डायरेक्शन के मोशन को प्रेफर नहीं करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ प्लस वाई डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ माइनस वाई डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ प्लस जेड, कुछ माइनस जेड, और कुछ आड़े कुछ टेढ़े। मैंने बताया था हर पॉसिबल डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। और इसका यूज करके मैंने ये बोला था कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड लिख दोगे, बट हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि ओवरऑल मॉलिक्यूल्स के लिए एक्स डायरेक्शन की एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन की एवरेज स्पीड इज इक्वल टू जेड डायरेक्शन की एवरेज स्पीड। ऑल दो अगर आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करोगे, तो हमने क्या बोला था, एक्स डायरेक्शन ले लो, चाहे वाई डायरेक्शन ले लो, चाहे जेड डायरेक्शन ले लो, मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी जीरो ही होती है। क्यों? क्योंकि मोशन रैंडम है। जितने मॉलिक्यूल्स प्लस एक्स डायरेक्शन जा रहे होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स हम मान सकते हैं कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे, और इसलिए ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। पर अगर हम स्पीड के बारे में बात करेंगे, तो स्पीड, एवरेज स्पीड जो है वो जीरो नहीं होगी और ना ही जीरो होगा आरएमएस वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि आरएमएस वेलोसिटी क्या है? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। जैसे आपने स्क्वायरिंग कर दी, सारी की सारी वेलोसिटीज स्केलर हो चुकी हैं, पॉजिटिव नंबर में आ चुकी हैं, उनका एवरेज निकालोगे तो जीरो कभी नहीं आएगा। तो मीन ऑफ स्क्वायर्स निकालोगे वेलोसिटीज का, उसके बाद रूट निकालोगे, तो आपको आरएमएस स्पीड या आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड और आरएमएस वेलोसिटी इक्वल ही होगी सारे मॉलिक्यूल्स की। इतना आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों पर बेसिक कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जिसका इस चैप्टर से कोई खास बहुत ज़्यादा डिटेल में लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना है क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें हमने डिराइव करी हैं, बट
इट्स मोर ऑफ ए मैकेनिक्स पार्ट रेदर देन दिस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो मैकेनिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चन वो कम हैं। ऑल दो फिर भी ये सब बातें हमने कर चुके थे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, आरएमएस स्पीड क्या होती है। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। हमें पता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स कम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो अगर हम ये पता लगाना चाहें कि बताओ कितने मॉलिक्यूल्स कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, किस स्पीड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, तो उसके बारे में हमें जानकारी दी थी मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ने। यह बताता है कि इतने मॉलिक्यूल्स की स्पीड इस रेंज से इस रेंज के बीच में होगी, इतने मॉलिक्यूल्स की स्पीड इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी के रेंज में होगी। मतलब वेलोसिटी की रेंज में, एक पर्टिकुलर एक गिवन वेलोसिटी की रेंज में कितनी मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसके बारे में ये बात करता है। ये चर्चा किसके बारे में करता है, इसको देख लेते हैं। ये चर्चा करता है अबाउट दिस डी एन बाय एन, मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड वी बाय डी वी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड वी बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू डी वी। देखो इसका मतलब क्या, वो समझिए। यहां पर जब मैंने ये इक्वेशन लिखी है तो इट्स अंडरस्टूड कि डी एन का मतलब क्या है, डी एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी एंड वी प्लस डी वी। जैसा हम लोगों ने कुछ दिनों पहले हीट ट्रांसफर में देखा था, ई लैम्डा याद है, इमिटिंग पावर विद इन द रेंज ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। उसी तरीके की कुछ डेफिनेशन यहाँ पर भी है, ऑल्दो काफ़ी डिफरेंट है, बट फिर भी आप समझ सकते हो जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो लगभग लगभग सेम है। हमने क्या कहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी एंड वी प्लस डी वी को अगर हम एन से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी एंड वी प्लस डी वी। ओके, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी प्लस डी वी एंड वी प्लस डी वी डिवाइड बाई डी वी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेंज लोगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड वी पर यूनिट रेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे आप इसको सोच सकते हो, बट उतना जानने उतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये एक टर्म है ऐसा समझ लीजिए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के अलावा हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल दो आई लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन बेटर, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएबल नहीं है। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये स्पीड वी के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ये एक कांस्टेंट है एक गिवन सैंपल ऑफ गैस के लिए। इट इज ए कांस्टेंट फॉर अ गिवन सैंपल। तो मैक्सवेल ने कुछ जुगाड़ लगाकर इस रेशियो का वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकाला था कि ये रेशियो वेलोसिटी के साथ कैसे कैसे वेरी करेगी, मतलब अलग अलग स्पीड के लिए कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें एक गिवन वेलोसिटी रेंज में मिलेंगे। तो अब इसकी इक्वेशन भी उसने निकाली थी मैक्सवेल ने, क्या इक्वेशन थी दे देखिए, मैं इस इक्वेशन पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता, क्यों, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको ये इक्वेशन याद रखने के लिए भी नहीं बोलूँगा, बस आपको एक बार ये इक्वेशन देख लेनी है कि हाँ भैया कोई रिलेशन था, और जो भी रिलेशन था थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, एटलीस्ट फर्स्ट लुक में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ऑल्दो अगर आप इसको एनालाइज करोगे बैठ के कभी किसी दिन तो आपको लगेगा नहीं उतना मुश्किल नहीं है इस फॉर्मूले को याद करना, बट फिर भी ये एक्सप्रेशन क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को याद नहीं करेंगे, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ग्राफ आपके सिलेबस में है। स्पीड मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड जो है किस तरीके से वेरी करता, मतलब अलग अलग वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग कितने मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं या कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, इसका ग्राफ हमारे सिलेबस में है। तो इस बार एक बार हम उसका ग्राफ देख लेंगे। ये ग्राफ आपके सिलेबस का मतलब समझिए, ये ग्राफ सिर्फ आपके सिलेबस में ही नहीं है, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये ग्राफ कैसा होता है देखिए, हमने वाई एक्सिस पे ये वाला टर्म लिख लिया है डी एन वी बाय एन डी वी, ये एन कॉन्स्टेंट है,
आप इसको 1 बाय एन टाइम्स डी एन बाई डी वी भी लिख सकते हो। इसको बेस्ट तरीका मेरे ख्याल से रिप्रेजेंटेशन का ये होता है 1 बाय एन टाइम्स डी एन बाय डी वी, ये एन कॉन्स्टेंट है फॉर स्पीड वी। तो जो भी है 1 बाय एन टाइम्स डी एन बाय डी वी एट स्पीड वी जो है ये स्पीड के साथ कैसे वेरी कर रहा है, या वी स्पीड है आपकी, वी क्या है आपकी स्पीड है, ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी नहीं है क्योंकि वेलोसिटी स्केलर नहीं होती, उसके साथ में आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। तो एक्स एक्सिस पे हमने स्पीड डाल दी है, वाई एक्सिस पे हमने ये क्वांटिटी डाल दी है, और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा समझिए। देखिए अगर मैं एक फिक्स टेम्परेचर ले लूँ, अगर मैं एक फिक्स टेम्परेचर ले लूँ तो मास कांस्टेंट, मास तो एक मॉलिक्यूल का मास है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कांस्टेंट ही है, ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, इधर भी सब कुछ कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल गया है सिर्फ यहाँ पे वी स्क्वायर और यहाँ पे भी वी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, सम कांस्टेंट इंटू वी स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस सम अदर कांस्टेंट इंटू वी स्क्वायर। ओके, तो इस इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं, एक है क्वाड्रेटिक और एक है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वाला ई टू पावर माइनस वी स्क्वायर का ग्राफ। अगर हम कभी भी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा जो ग्राफ आएगा उसमें क्या होगा, फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एक्स वी विल सी दैट एक्स स्क्वायर इज डोमिनेटिंग, सो हमारा ग्राफ जो है कुछ हद तक क्वाड्रेटिक की तरह ग्रो करेगा, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है तो ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर में उतना वेरिएशन नहीं आता, एटलीस्ट इन फ्रैक्शन के टर्म से देखेंगे तो उतना वेरिएशन नहीं आता, ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए ये क्वांटिटी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर आपके ग्राफ के शेप को डोमिनेट करेगा, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ हद तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा शेप लेगा, एक्स स्क्वायर के ग्राफ के जैसा शेप लेगा कुछ ऐसा। लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपोनेंशियल टर्म इतना बड़ा, या इस केस में क्योंकि ये ई टू पावर माइनस में है इसलिए इतना छोटा हो जाएगा कि ये ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर पूरी तरीके से हमारे ग्राफ को डोमिनेट कर जाएगा और हमारा ग्राफ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ग्रो करते हुए एकदम से ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। क्या ये ग्राफ कभी भी जीरो पे पहुंचेगा, तो जवाब है नहीं, कभी भी ये ग्राफ जीरो तक नहीं पहुंचेगा, ये एसिम्प्टोटिक ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरीके का ये ग्राफ बना है और क्या बता रहा है ये ग्राफ कि अगर आप यहां पर कोई भी एक वेलोसिटी की रेंज ले लेते हैं, लेट से ये वी है और ये आपका वी प्लस डी वी है, तो अगर मैं यहां पर ये वाला एरिया निकालूं, दिस एरिया विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी इन द रेंज वी एंड वी प्लस डी वी। कैसे हुआ ये, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन था वाई जो है, हमारे पास क्या है इस इक्वेशन, यही है ना वाई, वाई है क्या, वाई है आपका 1 बाय एन डी एन बाय डी वी। दिस इंप्लाइज डी एन बाय एन दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी एंड वी प्लस डी वी इज इक्वल टू वाई डी वी। वाई ये रहा डी वी, वाई डी वी क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया। समझ में आई बात, तो दिस इज द एरिया, दिस एरिया इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड, लिखेंगे वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, हैविंग स्पीड बिटवीन वी एंड वी प्लस डी वी। ये ग्राफ समझ में आया सबको कि नहीं आया, अगर किसी को ये ग्राफ समझ में नहीं आया हो, ग्राफ के शेप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ का शेप अगर नहीं भी समझ में आया कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना है कि पहले क्वाड्रेटिक की जैसे ग्रो करेगा फिर एक्सपोनेंशियली फॉल कर जाएगा। तो ये एरिया जो है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी एंड वी प्लस डी वी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। यस ओके, कॉपी हो गया।
यस तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला टॉपिक है हमारा आरएमएस एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखो आप आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, वो तो बहुत आसान है। आसान क्या मतलब, अगर एवरेज समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ ही जाएगा। हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। एक बार मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे को ये ग्राफ का जो मैंने जो इक्वेशन लिखी हुई थी, अगर मुझे वो इक्वेशन पता है तो मैं उस इक्वेशन के साथ मैथमेटिकली कुछ हरकतें करके, कुछ मेहनत करके, हो सकता है वो मेहनत आपको अभी नहीं आती हो, पर वो मेहनत करके हम ये पता लगा सकते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी है। कैसे, समझिए। ये ग्राफ या ये एक्सप्रेशन आपको एसेंशियली बता रहा है कि कितनी कितने मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी वी से लेकर वी प्लस डीवी के बीच में पाई जाती है। मतलब कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड v है, v1 है, कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड v2 है, कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड v3 है, ये आप निकाल सकते हो, है ना। तो मैं बोल रहा हूं अगर आपको मैं बता दूं कि आपके 6 सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट के में कितने मार्क्स हैं ये तो नहीं मालूम आपको, लेकिन अगर आप 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, मैंने आपको बोला आपके एक सब्जेक्ट में आए हैं 98 मार्क्स, दो सब्जेक्ट्स में यू हैव स्कोर्ड 94 मार्क्स एंड थ्री सब्जेक्ट्स में आपने स्कोर किए हैं लेट्स से 96 मार्क्स, तो आप क्या अपना एवरेज स्कोर बता सकते हो? यस सर। बता सकते हो, कैसे बताओगे आप? 1 इंटू 98 प्लस 2 इंटू 94 प्लस 3 इंटू 96 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ही बताओगे ना? मार्क्स का एवरेज यही आएगा कि नहीं आएगा? एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, ऐसे निकालोगे? एक सब्जेक्ट में 98 है, दो सब्जेक्ट में 94 है, तीन सब्जेक्ट में 96 है। अब ये मत बोलना सर बेस्ट ऑफ फाइव होता है, एक सब्जेक्ट को इग्नोर करेंगे, वो सब नहीं करना है। इन छह सब्जेक्ट्स का ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऐसे निकलेगा, हाँ या ना? यस। अब देखिए मेरे को वाई पता था 1/n(dn/dv), यहां dn क्या है? मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड v। तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज dn इज इक्वल टू y टाइम्स n dv, है ना, निकल जाएगा। सो मैंने यहां क्या किया था, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंटू मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट किया था, यहां मैं क्या करूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल करूंगा। तो देयर फॉर मैं v एवरेज लिख सकता हूं, समेशन dn इंटू v, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी v का समेशन अपॉन समेशन dn, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dn अपॉन इंटीग्रेशन dn। इससे क्या मुझे एवरेज स्पीड मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? जो आपने यहां किया है मैंने वही काम यहां किया। मैं इसको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि हां अगर आपको इक्वेशन पता होगी तो हम इस प्रोसेस का यूज करते हुए, इंटीग्रेशन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, जो भी हो, उसका यूज करते हुए हम वी एवरेज निकाल सकते हैं। वी हैव द नॉलेज टू फाइंड वी एवरेज, राइट? हाँ या ना? सिमिलरली मैं आरएमएस स्पीड भी निकाल सकता हूं, बस मेरे को क्या करना है वी स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो समेशन डीएन वी की जगह वी स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डीएन अपॉन इंटीग्रेशन डीएन, इससे मेरे को मीन ऑफ स्क्वायर मिलेगा, उसका रूट ले लूंगा तो आरएमएस स्पीड मिलेगी। तो मैं वो भी लिख दे रहा हूं, वी आर एम एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डीएन अपॉन इंटीग्रेशन डीएन। ये सब कुछ भी आपको याद नहीं करना, मैं बस आपको बता दे रहा हूं कि हां अगर मेरे पास वो एक्सप्रेशन है तो मैं यहां पर dn की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में dn सब्स्टिट्यूट करके मैं इंटीग्रेशन करके एवरेज भी निकाल सकता हूं और आरएमएस भी निकाल सकता हूं, हाँ या ना? इसका अच्छा ये आरएमएस नहीं होगा, इसका रूट आरएमएस होगा क्योंकि रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर है ना।
चाहो तो इसको कॉपी मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आपको कभी करना नहीं होगा, बट मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब देखो मुझे चाहिए क्या, मेरे को यही तीन स्पीड चाहिए थी यूजिंग आर इक्वेशन। तो मेरे पास ये ग्राफ था, इक्वेशन का तो मैं को याद नहीं करना, तो मेरे को मैं यूँ सोच मान लेता हूँ कि मैंने पढ़ा ही नहीं इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे पास ये लेकिन ग्राफ था, मुझे ये पता चल गया कि हाँ अगर मेरे पास इक्वेशन होगी तो मैं आरएमएस भी निकाल सकता हूँ और एवरेज भी निकाल सकता हूँ, पर एमपीएस या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? आपको क्या लगता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या मीनिंग होना चाहिए? कि अगर मैं एक रैंडम मॉलिक्यूल को पकड़ूं तो उस मॉलिक्यूल की स्पीड कुछ पर्टिकुलर आएगी, कौन सी स्पीड होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes. तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पीक आ रहा है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास यही वाली वेलोसिटी होगी। है ना? तो अगर मैं डी वाई बाय डी वी को जीरो कर दूंगा तो मुझे मैक्सिमा मिल जाएगा, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, वी आर सॉरी आर एम एस नहीं, वी मोस्ट प्रोबेबल मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहां आपका आ गया है वी मोस्ट प्रोबेबल। आपको क्या लगता है एवरेज वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी कि कम होगी? किस साइड मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं? राइट साइड मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और उनके पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स, मतलब उनका स्पीड भी ज्यादा लंबी रेंज तक है ना। आप सोचिए एवरेज का मतलब क्या है, बेसिकली इस ग्राफ का सेंटर ऑफ मास एक डायरेक्शन में इस एमपीएस से राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? नेचुरल सी बात है राइट की तरफ होगा ना, क्योंकि ग्राफ राइट की तरफ स्क्यूड है। तो इसलिए यहां पर जो एवरेज स्पीड आएगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से थोड़ा ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नाउ एज अ रूल किसी भी दिन आप प्रूफ कर सकते हो कि आरएमएस जो है खास तौर से पॉजिटिव नंबर्स के लिए, नेगेटिव के लिए भी चलेगा, आरएमएस हमेशा ही एवरेज से बड़ा होता है। तो ये आपका आरएमएस है। मतलब यहां पर मैं इस ग्राफ में क्या दिखाना चाहता हूं कि आपका जो वी आरएमएस है इट इज ग्रेटर देन वी एवरेज विच इज ग्रेटर देन वी एमपीएस या एमपी जो भी कर लो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज से बड़ी है और एवरेज स्पीड जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो आर ए एम, राम बन गया ना, आजकल रैम भी बोल सकते हो आप लोग, उसमें क्या है ना। तो वी मोस्ट प्रोबेबल इज ग्रेटर देन वी एवरेज विच इज ग्रेटर देन वी आर एम एस। इसके अलावा हमने तरीका देख लिया जिससे हम वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यूज कितनी होती हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। आपका अब अगले जो तीन फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं वो आपको याद होने चाहिए। एक तो ऑलरेडी याद कर चुके हो, उसमें से आर एम एस स्पीड जो है ये आपका कितना आया था बताइए तो जरा, रूट थ्री आर टी बाय एम। रूट थ्री आर टी बाय एम, ये कैपिटल एम क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का नहीं बेटा, ये मोल का है। अगर यहाँ के यूज करोगे तो मॉलिक्यूल का यूज करो, मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल का मास लोगे, और यहाँ पे आर यूज करोगे तो मोल का मास लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ, बोलिए ये पता है आपको, अंडर रूट ऑफ पाई आर टी बाय पाई एम होता है। और वी मोस्ट प्रोबेबल होता है अंडर रूट ऑफ टू आर टी बाय एम। ये फॉर्मूले हो सकता है आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखे हो, आई गेस पढ़ ही रखे होंगे, हो सकता है कि वाली बात ही नहीं है, बट फिर भी दोबारा बताए हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर मैं इस चैप्टर में ऐसे पढ़ाऊँ कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना होगा कि केमिस्ट्री में आपने सब कुछ ही पढ़ रखा है। तो हालांकि ये मेरे ख्याल से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये शायद केमिस्ट्री में नहीं था, बट ये वेलोसिटीज़ तो डेफिनेटली केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी है, राइट।
कॉपी हो गया। यस नेक्स्ट, एरिया अंडर मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखिए, मैक्सवेल ने हमें हमसे बात की थी इस इन दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ की। तो ये जो कर्व है या जो ग्राफ है, इसका शेप तो हमें मालूम है। शेप कैसा था इसका? कुछ ऐसा। अब बात कर रहे हैं कि इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व कितना होगा। तो देखो भैया, वाई कितना है आपका? 1 बाय एन dn बाय डीवी, वी इज एक्स, है ना? समझ में आई बात? दिस इंप्लाइज वाई डीएक्स इज इक्वल टू 1 बाय एन डीएन। अब ध्यान दीजिएगा, ये एन और ये एन अलग है। ये एन बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी एंड वी प्लस डीवी, दिस इज वेरिएबल। बट ये वाला जो है, ये इसको एन लिखा जाता है, बट लिखना चाहिए एन नॉट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के अंदर जाकर इंटीग्रेट नहीं करोगे इसको आप। तो अब अगर मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, ध्यान रखिएगा ये एन नॉट बाहर रहेगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो जाएगा एरिया, दिस इज इक्वल टू 1 बाय एन नॉट इंटू एन नॉट दैट इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं इस ग्राफ का टोटल एरिया अंडर द ग्राफ निकालूं, ये टोटल एरिया, ये पूरा एरिया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये क्या बताएगा? ये एरिया बताएगा कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी की रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? एरिया 1 आ जाएगा। ओके, दिस एरिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। ऑल्दो आप कभी कभार देखोगे, यहां पर नोट कर लेना एक बात को, कभी कभार आप देखोगे वाई एक्सिस पर डीएन बाय एन नहीं है, सिर्फ डीएन बाय डीवी दे रखा है। आपका वाई कई बार दे रखा होता है डीएन बाय एन एट स्पीड वी, और एक्स एक्सिस पर दे रखा होता है स्पीड वी। तो इस केस में आपका एरिया क्या हो जाएगा? नोट में यहां पर है, इफ वाई में सिर्फ ये है और एक्स में ये है, तो एरिया आपका 1 नहीं होगा, बल्कि एरिया कितना हो जाएगा? एन नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये 1 बाय एन नॉट नहीं आएगा ना यहाँ पे, ये आएगा ही नहीं इंटीग्रेशन, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पे डीएन बाय एन नहीं है, ये डीएन बाय डीवी है, डीएन बाय डीवी लिख दिया। लेट्स से वाई एक्सिस पे डीएन बाय डीवी है, ये एन नहीं दे रखा है, डीएन बाय डीवी दे रखा है। सिर्फ बता रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी एंड वी प्लस डीवी, ये नहीं बताया गया है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी प्लस वी एंड वी प्लस डीवी, ये नहीं बोला गया, बल्कि बोला गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी एंड वी प्लस डीवी। इसको एन से डिवाइड नहीं किया गया, ठीक है? तो एरिया क्या हो जाएगा? एन नॉट दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कभी आपको इस तरीके से ट्रिक किया जा सकता है, कभी रेयरली। हालांकि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता सर, है, हाँ बेटा, सर वो एरिया क्या लिखा है सर? कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। नीचे वाला या ऊपर वाला? एरिया ऑलवेज क्या लिखा है सर? एरिया इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, खत्म। इसके बाद मैंने लिखा है, नोट करने के लिए बोला है एक और चीज पे, कि अगर यहां पर डीएन बाय डीवी होता, एन नहीं होता, तो ये एरिया 1 नहीं होता, एरिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता। समझ में आई बात? क्या लिखा है वापस लिख देता हूं, नोट करके लिख दो नीचे अपने नोट डाल के, कि इफ वाई एक्सिस पे आपको डीएन बाय एन नहीं दे रखे, आपको दे रखा होता है वाई एक्सिस पे वाई इज इक्वल टू आपको डीएन बाय एन दे रखा होता एट स्पीड वी, अगर ये दे रखा होता और एक्स एक्सिस पे आपको वी दे रखा होता, तो इंटीग्रेशन वाई डीएक्स विच इज इक्वल टू एरिया दैट वुड हैव बीन एन नॉट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट 1। यार अगर एन से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, एन से डिवाइड नहीं करोगे तो एन आएगा, और क्या है ना।
आगे बढ़े। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर, आप बिना किसी नॉलेज के मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, बिना किसी नॉलेज या बिना किसी कैलकुलेशन के या बिना मेरे पढ़ाए, आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वी मोस्ट प्रोबेबल पे क्या असर पड़ेगा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ 2 RT/m। किस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। ध्यान रखना ये टेम्परेचर कभी डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, ये टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में लेना है। तो अगर आपका मोस्ट टेम्परेचर को आप कभी भी इंक्रीज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमेशा इंक्रीज होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल जोर जोर से, मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो ऑब्वियसली सारी स्पीड बढ़नी चाहिए। सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही नहीं, आपका वी एवरेज भी इंक्रीज होना चाहिए, आपका वी आरएमएस भी इंक्रीज होना चाहिए। मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा स्पीड होगी और कम मॉलिक्यूल्स के पास कम स्पीड होगी टेम्परेचर बढ़ने पे। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल स्लो मूव कर रहे थे उनका नंबर घट जाएगा और जो मॉलिक्यूल्स तेज मूव कर रहे थे उनका नंबर बढ़ जाएगा। राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके सो अच्छा मुझे एक चीज और बताइएगा, एरिया अंडर द ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से एरिया अंडर द ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा? स्लोप बढ़ जाएगा। हैज नो इफेक्ट, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी दे रहा हूं, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन। समझ में आई बात? ये वन थोड़ा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, वन तो एक नंबर है। तो अगर मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं डीएन वन बाय एन डीएन बाय डीवी वर्सेस वी का, तो ग्राफ आया था मेरा कुछ ऐसा। ये मेरा टेम्परेचर टी वन पर है। अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को जब मैंने इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज होगी, तो कम मॉलिक्यूल्स कम स्पीड से मूव करेंगे और ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे। मतलब हायर स्पीड्स के करस्पॉन्डिंग आपको ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और लोअर स्पीड्स के करस्पॉन्डिंग आपको कम मॉलिक्यूल मिलेंगे। समझ में आई बात? हाँ, ये पीक थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब मेरे को कैसे पता चला ये पीक थोड़ा सा छोटा हो जाएगा? कोई मेरे को आइडिया देगा कि पीक मेरा छोटा कैसे हो गया, मेरे को कैसे अंदाजा लगा? देखो ऐसे समझ लो, मैं इस शेप को अप्रॉक्सीमेटली अगर एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट करूं तो ब्लू वाला जो ट्रायंगल था, जो ब्लू वाला ट्रायंगल था इसकी हाइट ज्यादा है, बेस छोटा है, रेड वाले का बेस बड़ा है तो हाइट को छोटा होना पड़ेगा, तभी तो एरिया सेम होगा। हाँ या ना? यस सर। समझ में आई बात? एक अगर ट्रायंगल से कंपेयर करो इसको तो ऑब्वियसली क्योंकि दोनों का एरिया सेम है तो इसलिए, क्योंकि रेड वाले का इफेक्टिवली बेस बढ़ गया है ट्रायंगल का इसलिए हाइट कम होगी, तभी एरिया सेम आएगा। और एरिया सेम होने का एक और कॉन्सिक्वेंस है, क्या एरिया सेम होने का ये कॉन्सिक्वेंस है एक और, कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा। जितना रेड वाले ग्राफ ने जितना एरिया यहां पे लूज किया उतना एरिया यहां पे गेन करेगा। राइट, ये सब एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
क्या लिखा आपने अभी? हाँ मैंने बोला ये क्लियर है कि ये वाला एरिया ए वन और ये वाला एरिया ए टू इक्वल क्यों होगा? यस क्योंकि रेड सर। रेड ग्राफ के नीचे का एरिया और ब्लू ग्राफ के नो सर, नीचे उसके ग्राफ के ऊपर क्या? ए वन, ये वाला एरिया ए वन और ये वाला एरिया ए टू दोनों इक्वल है। ओके नेक्स्ट, यहां तक हो गया ना कॉपी? नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है? तो एग्जाम्पल है कि लेट से हमारे पास ये डीएन और डीएन बाय एन वर्सेस डीएन बाय एन डीवी वर्सेस वी का ग्राफ हमें गिवन है। ये रहा हमारा ग्राफ। अब आपको इसी ग्राफ के अंदर बताना है कि रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड ग्रेटर देन वी वन। मतलब किसी तरीके से इस ग्राफ का यूज करके आप मुझे बताइए कि क्या इस ग्राफ की प्रॉपर्टी हो गया, क्या इस ग्राफ का कुछ कर सकते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड ग्रेटर देन वी वन। क्या करेंगे? जवाब बड़ा सिंपल सा है। पहले तो हम वी वन मार्क करेंगे यहां पर, फिर हम बोलेंगे देखो ये वाला जो एरिया है दिस एरिया रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड ग्रेटर देन वी वन। कोई दिक्कत किसी को? सर ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि हर एक इसका छोटा छोटा एरिया बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली वेलोसिटी की रेंज है। तो ये सारा एरिया जोड़ दोगे तो क्या बताएगा? कितने मॉलिक्यूल्स के पास ये पूरी वेलोसिटी का रेंज है ना? आगे बढ़े। मेरे को फिर से ग्राफ दे रखा है और पूछा है कि बताओ ये वाला एरिया क्या बता रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड लेस देन वी वन, राइट? है ना? इजी है नहीं तो? यस सर। नेक्स्ट। फिर से ग्राफ दे रखा है, बोला है कि फ्रैक्शन ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी वन और वी टू, बताइए जल्दी से। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी वन एंड वी टू। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी वन एंड वी टू, ठीक है? ओके यस।
चलो मुझे बताइए फिर, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ या इसको छोड़ो, थोड़ा गलत बना दिया मैंने। ये पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जल्दी बोलिए। इसका जवाब दे दो यार जल्दी से। मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड ग्रेटर देन v1। क्या बोल रहे हो? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड ग्रेटर देन क्या? वी वन तो यहां लिखा हुआ ही नहीं है, VMPS। वी एमपीएस है ना, क्योंकि ये पीक के हिसाब से करेस्पॉन्डिंग बना रखा ना मैंने, तो ये क्या हो गया? वी एमपीएस हो गया, राइट? कोई दिक्कत? हालांकि ये भी गलत है। क्या गलती है इसमें? ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये नंबर होगा। क्यों, कोई बताएगा मेरे को? सर वाई है यहां पर एन नहीं सर, है, समझ में आया? यस सर। चलो फिर, तो यहाँ पर हमारा ये मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है उससे रिलेटेड सारी बातें खत्म हो गई। अब हम कुछ और बातें करेंगे अबाउट केटीजी। ये कॉपी कर चुके हो ना यहाँ तक सब कुछ? हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कर लिया। अगला है लॉज डिराइव फ्रॉम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करते हुए ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि देखिए ऐसा है कि मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बाद में आया, बट मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करते हुए हम बाकी बहुत सारी चीजें ड्राइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं प्रेशर इज इक्वल टू एम एन वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3V, और उसके बाद हम वी आर एम एस कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इसके बेसिस पर हम लोग बहुत सारे लॉ ड्राइव कर सकते हैं। वी आर एम एस पता है और प्रेशर इज इक्वल टू एम एन वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3V पता है, सिर्फ इसी चीज के बेसिस पे हम बहुत सारे लॉज ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहला लॉ जो इसमें ड्राइव कर सकते हैं वो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसके बेसिस पे और लॉज हैं, तो मैं एक बार बात कर लूंगा कि कौन कौन से पॉसिबल लॉज हैं जो हम इजिली या डायरेक्टली मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो एक गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए या गिवन नंबर ऑफ मोल्स के लिए पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, ठीक है? सेकंड है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका वी वन बाय टी वन इज इक्वल टू वी टू बाय टी टू होगा। नेक्स्ट गे लुसेक्स लॉ, ये कहता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी वन बाय टी वन इज इक्वल टू पी टू बाय टी टू होगा। कोई दिक्कत है इसमें? ऑब्वियसली इसका यूज करके हमारा एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी डिराइव हो सकता है, जो कहता क्या है कि एट एस टी पी, एस टी पी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? 0 डिग्री 180, यही याद है ना आप लोगों को? तो एट एस टी पी अ फिक्स्ड वॉल्यूम हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ गैसेस फॉर ऑल गैसेस, राइट? है ना?
बेसिकली आपके वो 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करते हैं। ये हमारे एवोगैड्रो है, ये हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। ओके नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन, ये सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये याद है किसी को कि भूल गए? थोड़ी देर में आते हैं डाल्टन्स लॉ पे आते हैं, अगला स्लाइड उसी का है। उससे पहले मैं एक और लॉ देख लूंगा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत कम आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है? यस सर याद है। क्या होता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब अगर मैं एक कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ गैसेस रख दूं तो उससे जो गैस बाहर निकल रही होगी उसके पोर्स से, जो गैस आपके कंटेनर में जो पोर्स हमारे जो पोरस कंटेनर है, तो पोरस कंटेनर से जो गैस बाहर निकल रही होगी उनके बाहर निकलने का रेट जो है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है। समझ में आई बात? आया ना? इसको फटाफट सब लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया? यस। देखो वैसे अगर हम बात करें तो आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास नहीं होता, मास नंबर मतलब मोलर मास नहीं होता, बल्कि इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन अंडर रूट ऑफ एम इंटू टी। इस रेट से डिफ्यूज होता है, मतलब प्रेशर के भी प्रोपोर्शनल होता है। आप यूँ समझ लो अगर अगर टेम्परेचर सेम है तो पी बाय रूट एम के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आई बात? और अगर टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी वन बाय रूट एम टी। एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है कुछ और भी, बट उस पूरे फॉर्मूले पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, या मैंने तो कभी क्वेश्चन देखा नहीं जो उस पर आए। बट ग्राहम्स लॉ याद है आपको कि भूल गए थे? भूल गए थे? नो सर। ओके सो नेक्स्ट हमारा है डाल्टन्स लॉ, हमने छोड़ दिया था यहाँ पे, डाल्टन्स लॉ देख लेते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? कहता है कि अगर एक मिक्सचर में बहुत सारे गैसेज हैं, जैसे हमारा एयर है उसमें बहुत सारे गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इवन वाटर के वेपर्स हैं, इन सबको जोड़ के एयर बनता है। तो अगर मैं इन सारे इंडिविजुअल गैसेज का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करूं और उन पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दूं तो मुझे ओवरऑल एयर का प्रेशर मिल जाएगा। कैसे? कुछ ऐसा सिस्टम बोला है कि ऑक्सीजन का कुछ प्रेशर है, नाइट्रोजन का कुछ प्रेशर है, आर्गन का कुछ प्रेशर है, वाटर का कुछ प्रेशर है, मतलब वाटर का मतलब वाटर वेपर्स का कुछ प्रेशर है और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ प्रेशर है, इन सबको जोड़ दोगे तो एयर का प्रेशर मिल जाएगा। समझ में आई बात? ये कहता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ कहता है नेट प्रेशर पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू
where P is equal to total pressure, P1 is equal to partial pressure, of gas 1 and P2 is equal to partial pressure of gas 2. तो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा, चाहे कितनी भी गैसेस हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको P1 P2 निकालना है तो ऑब्वियसली आप P1 V इज इक्वल टू N1 RT यूज कर सकते हो। समझ में आई बात? इंडिविजुअली एक एक गैस के लिए भी आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हो और उससे इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर निकाल के आप टोटल प्रेशर निकालने के लिए टोटल सब सारे इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट देखिए, ये जो है ना, दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैसेस। लेकिन जो डाल्टन्स लॉ है, इट इज फॉर ऑल दी गैसेस। ओके, तो पी वन वी इज इक्वल टू एन वन आर टी है और यहां से आप लिख सकते हो कि पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री जितने भी हैं इंटू वी इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री आर टी। मतलब कि ओवरऑल गैसेस के लिए भी आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आप मिक्सचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वैलिड ओनली ऑल्सो फॉर मिक्सचर्स एज वेल। समझ में आई बात? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सिर्फ एक गैस के लिए वैलिड नहीं है बल्कि मिक्सचर्स के लिए भी वैलिड है। देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन के एन वन मोल्स हैं और पी वन प्रेशर है, हाइड्रोजन के एन टू मोल्स हैं, पी टू प्रेशर है। तो इसमें जो टोटल प्रेशर लगेगा दैट इज इक्वल टू सिंपली पी वन प्लस पी टू। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल सा आपका डाल्टन्स लॉ है। हाँ, उस डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन काल के हमने देखा कि हम मिक्सचर के लिए भी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया यहां तक? अबे यार, इसमें ऐसे मत बनाने जाना, डब्बा बना देना, ओ टू एन टू, ठीक है। अगर ये नहीं बनाओ, सिर्फ ये बना दो तब भी काम हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ूं? Yes. Okay. So next we have. Wait, sir. Graham's law. Graham's law हम लोग already देख चुके हैं, एक बार वापस लिख देता हूँ। Rate of effusion क्या होता है ये मैंने आपको नहीं बताया था, थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहे हैं, ज़्यादा डीपली नहीं घुसेंगे। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंटेनर है, थोड़ा पोरस कंटेनर है। वैसे तो बहुत सारे पोर्स हैं पर मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही पोर बना के दिखाया आपको। अंदर बहुत सारे गैसेस हैं, अंदर आपका बहुत सारे गैसेस हैं। कौन कौन से? मान लीजिए गैस वन है, गैस टू है, गैस थ्री है। ये सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसके इन सबके मॉलिक्यूल्स है ना। रैंडमली मूव करते करते कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ घुस जाएंगे और जैसे ही कोई मॉलिक्यूल इधर आएगा वो मॉलिक्यूल टप 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 करते हुए बाहर निकल सकता है। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है ना? तो यहां से बाहर निकलने का रेट वो कितना हो जाएगा, उसको कहते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है गैसेस का बाहर निकलना। ध्यान दीजिए, अगर बाहर भी लेट से गैस वन है तो इसके मॉलिक्यूल्स भी जो रैंडम यहां बाहर घूम रहे थे वो मॉलिक्यूल यहां से अंदर भी घुस सकता है। घुस सकता है कि नहीं घुस सकता? घुस सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, अंदर से बाहर की तरफ इफ्यूजन हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ इफ्यूजन हो रहा है। समझ में आई बात? अंदर से बाहर की तरफ इफ्यूजन हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ इफ्यूजन हो रहा है। समझ में आया? तो आपका जो रेट
ऑफ इफ्यूजन है सिर्फ, हम सिर्फ एक डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बाहर से अंदर जाने के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। जो रेट ऑफ इफ्यूजन है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ये हमारा ग्राहम्स लॉ कहता है। मैंने आपको इसमें थोड़ा सा और भी चीजें बताई थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि एक्चुअली इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय रूट एम टी, ठीक है। यहां P क्या है? पार्शियल प्रेशर है। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। ये हमारा ग्राहम्स लॉ है। इस पर मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं करा रहा हूं फिजिक्स में, बट आई गेस आपको समझ में आ गया कि आखिर ग्राहम्स लॉ कहता क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं R और K की वैल्यू के बारे में। R क्या होता है? R का नाम क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। R का नाम क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट होता है क्या? नहीं सर, ये भी तो कुछ था लेकिन कहां था? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में था। वो R डिफरेंट है, ये R डिफरेंट है, राइट। ये R क्या कहलाता है? This is called universal gas constant, है ना? ये R क्या कहलाता है? Universal gas constant. ये universal gas constant कितना होता है? देखो इसकी वैल्यू होती है, अगर आप देखें जरा तो PV is equal to nRT है, right? तो R क्या है? PV by nT. तो आप यहां पर सबसे पहले तो इसका यूनिट समझ लीजिए, प्रेशर इनटू वॉल्यूम को या तो आप प्रेशर का यूनिट अलग और वॉल्यूम का यूनिट अलग करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो जूल भी हो सकता है, ये आपको पता है, पता है ना? क्योंकि वर्क हो गया ना, पीडीवी वर्क हो गया, राइट? यस सर। तो इसलिए इसके यूनिट सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? सिंपल यूनिट्स के बारे में बात करें तो अगर मैं प्रेशर को एटमोस्फेरिक में मेजर करूं और वॉल्यूम को लीटर में मेजर करूं तो एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, एसआई में डाल दूंगा तो जूल पर मोल पर केल्विन, है ना? है ना? और मैं प्रेशर और इनटू वॉल्यूम को जूल की जगह अगर मैं कैलोरीज में डाल दूंगा तो कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वो सारी यूनिट्स में लिख दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं ऐसा यूनिट लिख रहा हूं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको आपको ये भी याद रखना क्योंकि ये 8.314 जूल को अगर मैं 4.2 से डिवाइड कर दूंगा, 4.18 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कैलोरीज मिल जाएगा, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.31 को आप डिवाइड करेंगे 2.18 से तो अप्रॉक्सिमेटली 2 आएगा, 1.98, बट हम उसको 2 लिख देते हैं, तो 2 स्मॉल सी लिखेंगे, कैपिटल सी नहीं लिखेंगे, उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, राइट। 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आप इसको एटीएम लीटर में भी लिख सकते हो, अगर एटीएम लीटर लिखते हो तो ये आता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। इसको एक और इसकी अप्रोक्सीमेशन होती है, कई बार कैलकुलेशन करने में बहुत आसान पड़ता है, अगर बहुत ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी हो तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25/3
3 जूल पर मोल पर केल्विन है ना। ट्वेंटी फाइव बाई थ्री कितना आएगा, 8.333333333 आएगा, 8.314 तो है ही, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया ना। ये भी एक्चुअली 1.98 आएगा, बट ठीक है 2 लिख देते हैं। यूं समझ लो इसमें आपका 1% का एरर है और इसमें अगर आपका एरर देखोगे तो सिर्फ 0.25% का है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है इन कंपैरिजन टू ये वाला। आप ये तो यूज करते हो, ये यूज नहीं करते हो, है ना। यस सर, इसमें अगर आप एरर कैलकुलेट करोगे तो 0.25% है और इसमें 1% है। अब आती है बात के की, तो K होता है R अपॉन NA, है ना। आपका PV इज इक्वल टू NRT होता है, आप PV इज इक्वल टू कैपिटल N KT भी लिख सकते हो। देखो स्मॉल n का मतलब मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल N का मतलब लिख रहा हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ऑब्वियसली कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू NA हो जाएगा, तो NA इंटू K इज इक्वल टू R, सो K इज इक्वल टू R अपॉन NA। इसकी वैल्यू आती है, आप इसको NA से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 1.38 × 10⁻²⁷ जूल पर मोल पर मोल क्यों लिखेंगे आप, तो NA से डिवाइड कर दिया ना, तो क्या लिखोगे, पर मॉलिक्यूल लिख सकते हो, पर केल्विन लिख सकते हो, लेकिन हम पर मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे, जूल पर केल्विन लिख सकते हो। समझ में आई बात, उसी जूल पर केल्विन भी लिखा जा सकता है। वैसे होना क्या चाहिए, जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, मतलब पर मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सर क्लियरली नहीं दिखा रहा, सर क्या दिख नहीं रहा है, वापस लिख देता हूँ भाई, के की वैल्यू देख लो, मैं लिख रहा हूं कि आपका जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन, डबल एन वाला ना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर हाँ बेटा, सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल के से डिनोट करेंगे, हाँ 1.38 ओके सर टू 10⁻²⁷ जूल पर केल्विन लिखना चाहिए, बट आगे आपको ये पता होना चाहिए कि पर मॉलिक्यूल का मतलब यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। वैसे जूल पर मॉलिक्यूल मैंने कभी लिखा हो देखा नहीं, लिखना भी नहीं चाहिए, बट समझ गए ना बात को, ये नहीं लिखना चाहिए हमें, ये मैंने बस ऐसे लिख दिया है, मैं इसको काम कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कैसे करते हैं हाईलाइट, कहाँ गया मेरा हाईलाइट का बटन, गायब हो गया, नहीं रहा। ये आप नहीं लिखोगे बट आपको पता होना चाहिए। कॉपी हो गया, आगे बढ़े सर मॉलिक सर
ये नहीं सर, मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखना सर? नहीं लिखना है इसको, मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ कुछ है यहाँ पे, क्योंकि पर मोल अपॉन एन ए है राइट, तो मतलब उसको लिखते नहीं है बट उसका मतलब है कि हाँ ये पर मॉलिक्यूल के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ये लिखना नहीं चाहिए। ओके आगे बढ़े, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये पर मॉलिक्यूल के लिए काम करता है। ओके आगे बढ़ रहा हूं, अब देखते हैं गैसेस कनेक्टेड, गैसेस इन कनेक्टेड चैंबर्स। देखिए जरा यहां पर मेरे पास दो चैंबर्स हैं कंटेनर के जो कि एक पाइप से कनेक्टेड है और पाइप को मैंने कॉक से सील कर रखा है। दोनों चैम्बर्स का वॉल्यूम मैंने कैलकुलेशन वगैरह में मैं नहीं पढ़ना चाहता था इसलिए मैंने दोनों चैम्बर्स का वॉल्यूम ले लिया है वी वी। ओके तो एक चैम्बर में मैंने ऑक्सीजन भर दिया, दूसरे चैम्बर में मैंने वैक्यूम रखा, दूसरे चैम्बर में कुछ नहीं है खाली, दिस इज इनिशियली वैक्यूम। ठीक है इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस कॉक को रिमूव कर दिया। आप मुझे बताइए कि कॉक को रिमूव करने के बाद मॉलिक्यूल्स लेफ्ट चैम्बर से राइट चैम्बर की तरफ मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे ना, अच्छा कब तक करेंगे? जब तक तो जब तक इक्वली वॉल्यूम ना हो जाए दोनों कंटेनर्स में। कंटेनर्स का वॉल्यूम तो पहले से इक्वल है, गैसेस का वॉल्यूम प्रेशर इक्वल होगा, तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों कंटेनर्स में प्रेशर इक्वल ना हो जाए। अब देखो जैसे ही मैं बोलता हूं कि प्रेशर इक्वल ना हो जाए, लोगों के दिमाग में बहुत ही गंदा कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है मैं पहले तो, अभी नहीं भी आया हो तो मैं आपके दिमाग में वो गंदा कॉन्सेप्ट डाल के उसको निकालना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आप बाद में आप गंदे गंदे कॉन्सेप्ट ना बनाओ। लोग इमेजिन करते हैं कि अगर यहां पर एक इमेजिनरी वॉल में मान लूं तो दोनों तरफ प्रेशर अल्टीमेटली यहां का प्रेशर भी पी हो जाएगा, यहां का प्रेशर भी पी हो जाएगा। तो लोग इमेजिन करते हैं इस इमेजिनरी वॉल पर इधर से लगने वाला प्रेशर और इधर से लगने वाला प्रेशर इक्वल होगा, तो ये वॉल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये आपका इस वजह से दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होता है, लोगों को ऐसा लगता है। ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे कोई इमेजिनरी वॉल है ही नहीं, तो किस पे फोर्स लगा रहा है? फोर्स से इसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है कि भैया यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, सोचिए खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, किसी और कलर से बनाता हूं, ब्लैक से नहीं बनाऊंगा, ये खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, किधर जा रहा है किधर जा रहा है किधर जा रहा है किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, बाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, पेड़ा खा रहा है ना, ये सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वॉल से कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, लगातार इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता रहता है। क्या होगा? ऑब्वियसली रैंडमली रैंडम मोशन की वजह से हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो इधर निकल गया है ना, और जैसे ही मॉलिक्यूल इधर गया ये मॉलिक्यूल टक 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 करके यहां पहुंच जाएगा, है ना, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा सर। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे यहां पे रैंडमली मूव कर रहा होगा, टक 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 टक, यहां पर इधर खूब सारे मॉलिक्यूल टक 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 मूव कर रहे होंगे, है ना। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी रैंडम मोशन करते हुए वापस आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताइए? ये वाला मॉलिक्यूल जो यहां रखा हुआ है ये रैंडम मोशन करते हुए वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बट सिमिलरली यहां पर जो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कोई भी मॉलिक्यूल राइट में जा सकता है ना, हाँ या ना? तो अब देखो क्या है,
कि आप यूं समझ लीजिए यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो राइट की तरफ जा सकते हैं, यहां पे थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं जो वापस आ सकते हैं। ठीक, क्या होगा, इमेजिन दिस कि यहां पर आपके 1 करोड़ लोग बैठे हुए हैं जो एक जो पत्थर को इधर से इधर फेंक रहे हैं, और यहां पे अकेला आदमी जो पत्थर को इधर से इधर फेंक रहा है। आप बताइए पत्थर किधर ज्यादा तेजी से जाएंगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? बोलिए। अबे यार इतनी सिंपल सी बात तो बोल दिया करो कि हाँ सर इधर 1 करोड़ लोगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट पत्थर ज्यादा जाएगा, मतलब यहां क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए लेफ्ट से राइट जाने की मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पे मान लीजिए शुरुआत में 5 करोड़ मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से ज्यादा और इधर से 1 मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली इधर से बहुत तेजी से मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, इधर से वापस लौटने की रेट कम होगा। फिर क्या होगा, 5 करोड़ से घट के यहां पर 3 करोड़ हो गया, यहां पर 2 करोड़ हो गए, है ना। अभी भी यहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, यहां मॉलिक्यूल्स कम हैं, अभी भी लगातार इधर वाले मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे इसी पाथ का यूज करते हुए, और इधर वाले मॉलिक्यूल्स उधर जाएंगे इसी पाथ का यूज करते हुए, बट अब दोनों तरफ से रेट्स में कुछ हद तक कंपेरेबल हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब जितने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट चैम्बर से राइट चैम्बर की तरफ जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल राइट चैम्बर से लेफ्ट चैम्बर की तरफ जा रहे हैं, है ना। हाँ या ना? यस सर। ऐसा कब होता है, जब दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इफ्यूजन था, याद करिए ग्राहम्स लॉ ने क्या कहा था, रेट ऑफ इफ्यूजन क्या है बेटा, इज प्रोपोर्शनल टू अंडर सॉरी इज प्रोपोर्शनल टू पी बाय रूट एम। इनफैक्ट टेम्परेचर जो है ना वो उसको इग्नोर ही करो, उसको लेके चलोगे तो परेशानी होगी, ठीक है। पी बाय रूट एम सबसे अच्छा काम करता है, अगर कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो। टेम्परेचर का जो मैंने बताया था ना अंडर एम टी, उसको भूल जाइए, उस टेम्परेचर को भूल जाइए। रेट ऑफ इफ्यूजन क्या है, वो पी बाय रूट एम है। अब क्योंकि मॉलिक्यूल सारे के सारे ऑक्सीजन के ही हैं, एम तो सबका सेम है, तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा जब दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल हो जाए। समझ में आई बात, टेम्परेचर को अकाउंट पर लेने के लिए ना कुछ और जुगाड़ करने पड़ते हैं, जिसमें चक्कर में आप नहीं पड़िए। बेस्ट है कभी भी टेम्परेचर अगर अलग अलग भी हो तो टेम्परेचर को दिमाग के ऊपर दिमाग मत लगाइए, बस दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल रखिए। समझ में आई बात? ओके, रेट ऑफ इफ्यूजन पी बाय रूट एम के प्रोपोर्शनल होता है, तो एट इक्विलिब्रियम दोनों तरफ का प्रेशर सेम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वॉल के ऊपर फोर्स सेम नहीं हो रहा है, सिर्फ दोनों तरफ से पत्थर फेंकने का रेट सेम हो गया, जितने पत्थर लेफ्ट से राइट आ रहे हैं उतने पत्थर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, दोनों तरफ से बराबर रेट से अगर पत्थर जा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम हो गया। हाँ या ना? ये इक्विलिब्रियम ध्यान दीजिएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, अबे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? ओ सर, नो सर। ओके, कोई बात नहीं, बट यू समझ लो कि कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जिस रेट से मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट आ रहे हैं उसी रेट से मॉलिक्यूल्स राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, पी वन इज इक्वल टू पी टू हो जाएगा। अब पी वन इक्वल टू पी टू होने पर टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे, वो सब बात की बात है, क्योंकि एज दोनों तरफ टेम्परेचर सेम है इस और वॉल्यूम भी सेम है, इसलिए दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएंगे, वो दूसरी बात है, बट बेसिक चीज क्या है कि दोनों तरफ का प्रेशर सेम होगा। समझ में आई बात? आया ना? ओके, आगे बढ़ रहा हूं। अब बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। देखिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वगैरह पता नहीं केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछा जाता है, फिजिक्स में बहुत रेयरली कहीं पूछा जाता है, बट फिर भी मैं एक बार मेंशन करके आगे बढ़ जाऊँगा। जो भी मैंने जो इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा है ये भी केमिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा यूज़ होगा। हाँ, आपको ही पता होना चाहिए कि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होता है और फिजिक्स में भी, बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या सीन है। देखिए इस बार मैंने इस तरफ 2 गैसेज भर दिए, यहाँ पर अभी भी वैक्यूम है,
दोनों तरफ वॉल्यूम अभी भी मैंने सेम ले लिया क्योंकि मैं कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने बोला यहां पर ऑक्सीजन के मोल्स N1 है और P1 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, H2 हाइड्रोजन का मोल्स है और हाइड्रोजन के N2 मोल्स हैं और P2 हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है। ऑब्वियसली यहाँ का प्रेशर इनिशियल जो है वो कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। रिस्पॉन्ड क्या करो यार। चलो ये कहां से आ रहा है, ये yes, आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है आपका डाल्टन लॉ से, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, अब मैंने क्या किया, इस कॉक को रिमूव किया, बट रिमूव करने के बाद मैंने देखा अरे यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल मतलब आर पार जाने तो देता है पर सबको नहीं जाने देता, कुछ गैसेस को जाने देगा कुछ गैसेस को नहीं जाने देगा। तो दिस ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसा था, तो ये पर्टिकुलर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वाला पर्टिकुलरली, दूसरा मेम्ब्रेन किसी और तरीके से बिहेव कर सकता है बट ये वाला पर्टिकुलर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो इस क्वेश्चन का पार्ट है, ये कैसा था, इट अलाउज हाइड्रोजन बट नॉट ऑक्सीजन टू पास थ्रू इट। ये हाइड्रोजन को तो अलाउ कर रहा है लेफ्ट से राइट जाने के लिए पर ऑक्सीजन को अलाउ नहीं कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो अब क्या होगा, देखिए अब लोग क्या करते हैं, अगर सही से पढ़े लिखे नहीं हो तो वो अपना कॉन्सेप्ट बना के बैठे हैं कि यार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगना चाहिए, इसका मतलब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स मतलब दोनों साइड का ओवरऑल प्रेशर इक्वल होना चाहिए, जो कि गलत है। सही क्या है, सही ये है कि देखो भाई ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये इधर मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहां पर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऐसा निकला जो इस ट्यूब में घुसा पर क्या हुआ, ट्यूब में जाने के बाद ये आगे गया मेम्ब्रेन से टकराया और वापस लौट आया, इसका उपाय नहीं है, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, है ना, कोई दिक्कत। तो ऑक्सीजन इज ट्रैप्ड हियर, बट जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स सोचिए ये भी रैंडमली मूव कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूल ऐसा था जो इधर घुस गया, तो ये मॉलिक्यूल इधर गया खटर 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 खटर, इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कोई था ही नहीं, ये उसके आर पार निकल गया टक 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 और यहां पहुंच गया, राइट। अब यहां ये रैंडमली मूव कर रहा है ना, यही हुआ है। अब हाइड्रोजन के लिए वो कहानी वैलिड है जो पिछले क्वेश्चन में सारे गैसेस के लिए वैलिड थी, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन दोनों तरफ इकट्ठा दोनों तरफ जमा हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हैज सेम पार्शियल प्रेशर इन बोथ चैम्बर्स, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का रेट ऑफ इफ्यूजन फ्रॉम लेफ्ट चैम्बर टू राइट चैम्बर इज सेम एज हाइड्रोजन का रेट ऑफ इफ्यूजन फ्रॉम राइट चैम्बर टू लेफ्ट चैम्बर, तो क्योंकि रेट ऑफ इफ्यूजन अंडर रूट ऑफ पी बाय एम के प्रोपोर्शनल होता है, पी क्या है पार्शियल प्रेशर, तो एच टू है सेम पार्शियल प्रेशर इन बोथ द चैम्बर, समझ में आई बात, हाँ या ना। अब ये सब टकर टकर मत बनाना, ये हम बता देता हूं कि क्योंकि हाइड्रोजन का डायनामिक इक्विलिब्रियम बना और ऑक्सीजन तो ट्रैप रह गया, इसलिए दोनों तरफ हाइड्रोजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर इक्वल है, नेट प्रेशर इक्वल नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ पर N1 रह गया है, मोल्स प्रेशर उसका P1 ही रह गया, क्योंकि मैं मान रहा हूँ टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि राइट चैम्बर में हाइड्रोजन पहुंच गया और दोनों तरफ का वॉल्यूम सेम था, प्रेशर भी दोनों तरफ सेम है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स आधे हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन N2 बाय 2 और प्रेशर P2 बाय 2 हो जाएगा,
यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, उसका कोई प्रेशर नहीं है। हाइड्रोजन आपका यहां पर N2 by 2 मोल्स है विथ प्रेशर P2 by 2। इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन का प्रेशर सेम है। अगर टेम्परेचर दोनों तरफ अलग अलग हो जाता तब भी हाइड्रोजन का प्रेशर दोनों तरफ सेम होता। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। तो आपको सिर्फ जो गैस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार निकल सकती है सिर्फ उसी का पार्शियल प्रेशर के ऊपर दिमाग लगाना है, ओवरऑल प्रेशर के ऊपर दिमाग नहीं लगाना। क्लियरली लेफ्ट साइड का ओवरऑल प्रेशर कितना है, नेट प्रेशर कितना है, P1 प्लस P2 बाय 2, और यहां का प्रेशर कितना है, सिंपली P2 बाय 2। ऑब्वियसली लेफ्ट चैम्बर का प्रेशर राइट चैम्बर से ज्यादा है, बट वही इक्विलिब्रियम है। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, और उसको जीरो होने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी फोर्स गैसेस अप्लाई कर रहे हैं वो इस कंटेनर के वॉल्स जिनके हाथ में मेम्ब्रेन अटैच है उस फोर्स को काउंटर कर सकते हैं। ओके समझ गए? यस सर। चलो तो फोर्स बैलेंस नहीं करना है यहां पे, रेट ऑफ इफ्यूजन को दोनों तरफ से बैलेंस करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूं। कॉपी हो गया? ओके, नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये अपने आप में थोड़ा ठीक ठाक सा टॉपिक हो जाता है। ठीक ठाक सा टॉपिक का मतलब डिफिकल्ट टॉपिक नहीं बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें लेकिन रह जाता है लोगों को। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि ये चीजें उतनी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो उतना क्लियर चीज हायर लेवल पे तो है क्लियर, बट जितना सिंपल तरीके से आपके लेवल पे पढ़ाने की कोशिश की जाती है उतनी सिंपल ये है नहीं चीज, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कई बार स्टूडेंट्स के। मैं आपको बताऊंगा कि कंफ्यूजन दिमाग में हो ना हो आपको करना क्या है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बट कंफ्यूजन दिमाग में रह भी जाए तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको दिमाग में रखना है, किस चीज को आपको इग्नोर करना है ये समझा दूंगा, पर वो पार्ट शायद नेक्स्ट क्लास में आएगा। आज की क्लास में मैं बस डिग्री ऑफ फ्रीडम का इंट्रोडक्शन देके बात खत्म कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, इसके पास ये सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है, ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करता है, इसकी वेलोसिटी वी है। तो क्या आप इसकी वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं सर, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये हो गया मेरा वी एक्स सर, ये हो गया सर मेरा वी वाई, और ये हो गया सर वी जेड। बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा बेटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता?
यस सर। नाउ दिस इज योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद कई स्टूडेंट्स अपने दिमाग में डाल देते हैं कि सर ये देखो, ये तो सर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से अलग एनर्जी आ गई, वाई की वजह से अलग एनर्जी आ गई, जेड की वजह से अलग एनर्जी आ गई, तो सर हमने एनर्जी के कंपोनेंट खड़ा है। देखो आप जो, अगर आप ऐसा सोचे तो आप जिस रास्ते पे सोचे वो रास्ता उतना गलत नहीं है, पर जो टर्म्स आपने यूज करी वो टर्म्स गलत है। आपने बोला ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कंपोनेंट्स हैं, ये गलत है, ये कंपोनेंट्स नहीं। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट्स वेक्टर के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर नहीं है, एनर्जी वेक्टर नहीं होता, एनर्जी स्केलर होता है, ठीक है। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं फिर भी कि हाँ इन तीनों को जोड़ के अल्टीमेटली तो बनी रहा है ना, तो हमें कुछ नाम देना चाहिए था, तो हमने इसको डायरेक्ट नाम नहीं दिया। हमने क्या नाम दिया कि दिस इज, नाम ऐसे लिखा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, ये तो बोल सकता हूं, इसमें तो कोई खराबी नहीं सर, बिल्कुल सही है। इसके लिए सिमिलरली लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन अलोंग y एक्सिस एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन अलोंग z एक्सिस, राइट। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हमने बोला ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यार देखो x एक्सिस के अलोंग मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो y डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, समहाउ मैथ्स, सिर्फ मैथ्स की वजह से हुआ ऐसा, ऐसा कोई फिजिक्स का कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकली हम जो हमने इसको आगे बढ़ाया तो हमने पाया कि देखो यार एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, सिर्फ मैथमेटिकली अलग अलग कर सकते हैं। तो इसी चीज़ पर हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बोला कि मतलब हम बात करना, हमें यहाँ पे वेलोसिटी एनर्जी के कंपोनेंट करने के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए, पर हमें सोचना चाहिए क्या, हमें सोचना चाहिए कि देखो इस पार्टिकल के पास मोशन के तीन अलग अलग, एटलीस्ट सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के तीन अलग अलग डायरेक्शन में घूमने की इसके पास आज़ादी है ना। ये एक्स डायरेक्शन में भी घूम सकता है, ये वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ये जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, और तीनों की एनर्जी भी अलग अलग आ जा रही है ना। सो लेट्स कॉल दिस थ्री मोशनल, थ्री फ्रीडम, थ्री डायरेक्शंस ऑफ फ्रीडम एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब ये बस एक मैथमेटिकली एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तीनों की एनर्जी भी अलग अलग निकाल के हम लोग जोड़ सकते हैं, इसलिए व्हाई डोंट वी कंसीडर इट एज कि यार इस पार्टिकल के पास मोशन के, मोशन करने की तीन तरीके की आज़ादी है, एक्स डायरेक्शन में अलग मोशन की आज़ादी है, वाई डायरेक्शन में अलग मोशन की आज़ादी है, जेड डायरेक्शन में अलग मोशन की आज़ादी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ, पहले तो हम देख ही चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सिंपल वेक्टर्स भी देख चुके हैं, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि इस पार्टिकल के पास ट्रांसलेशनल मोशन के तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। समझ में आई बात? थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन। पार्टिकल के पास ट्रांसलेट होने के लिए, मतलब सिर्फ पोजीशन चेंज करने के लिए तीन अलग अलग रास्ते हैं, थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन की, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाया। ओके, अभी मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन के बारे में बात करी है, बाद में इसके बारे में और विस्तार में चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ फ्रीडम, और नेक्स्ट क्लास में आई एम कॉन्फिडेंट कि हम इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को कंप्लीट करके कर दे बस्ते में डाल देंगे, और अगला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स हम लोग शुरू कर लेंगे। केटीजी के बिना थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आता है, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पहले दे रखा है केटीजी से, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज सा पॉइंट है कि ऐसा कैसे कर दिया उन लोगों ने, बट ऐसा है।
हम हमेशा ही जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो हमेशा ही पहले केटीजी बाद में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, वही हम कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंप्लीट करते हुए केटीजी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी होपफुली शुरू कर पाएंगे। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि थर्मोडायनेमिक्स शुरू होगा कि नहीं होगा, बट केटीजी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, इतना मेरे को विश्वास है। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। अभी तक इस चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट लगा है? नो सर। नहीं ना, ठीक है। देखो इस चैप्टर को हम जल्दी से खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और न्यूमेरिकल्स भी करना, मेनली देखा जाए तो थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारी, थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने में जितना टाइम लगेगा लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, और नहा लेना, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।